ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। तो आज हम बात करेंगे रावण की। रावण जैसा विद्वान आज तक इस धरा पर कोई नहीं हुआ है। अगर आप कभी हिमाचल घूमने आए तो यहाँ पर आपको सिरमौर वैली मिलेगी। सिरमौर में एक छोटा सा जंगल है, उस जंगल में रावण ने लाखों साल तपस्या की थी और वहाँ पर उसने स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी का निर्माण किया है। शोध करने पर पता चला है कि यहाँ पर रावण ने नाना प्रकार की शक्तियों को छुपा रखा है। जब आप इसकी तलहटी में जाएंगे तो आपको एक शिव मंदिर मिलेगा। उस शिव मंदिर में जो शिवलिंग रखा हुआ है वो स्वयंभू है, अर्थात वो स्वयं ही शिव शंकर हैं। कभी आपको ऐसा अवसर मिले तो एक बार उस शिवलिंग के दर्शन अवश्य करके आए। तो मेरी जो साधनाएं हैं वो भी यहीं से पूरी हुई है। मैं रात के 2-2 बजे इस जंगल में तप करता था और तब से आज तक कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो मेरे साथ विचरण करती हैं और भोलेनाथ का मुझे हमेशा आभास होता है कि जैसे वो मेरे साथ ही हों, पग पग पर वो मेरे साथ रहते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि जो इंद्रजाल है, जो इंद्रजाल का ज्ञान है, वो सारा कुछ रावण ने यहीं पर अर्जित किया था। तो सोचे कितनी पवित्र जगह होगी ये कि भोलेनाथ यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए और रावण को वरदान देते हैं इंद्रजाल का। एक ऐसी विद्या जिसका कोई पार नहीं है, जिसके पास इंद्रजाल का एक भी मंत्र होगा कलयुग में वो राजा होगा। आप यूँ समझिए कि इंद्रजाल एक ऐसी काली किताब है जो कि आपकी हर मनोकामना की पूर्ति कर सकता है। इसमें ऐसे ऐसे मंत्र यंत्र तंत्र दे रखे हैं जो कि फूकते ही साथ लग जाते हैं। एक ऐसी काली किताब जिसमें कि वो राज दफन है जो आज तक खोजे नहीं जा चुके हैं। वो ऐसी शक्तियां जो कल्पना से भी परे हैं, वो सब कुछ इंद्रजाल में है और वो सब कुछ आपको यहाँ पर साधना करने पर मिल सकता है। तो देर ना कीजिए और अभी व्हाट्सएप कीजिए 9992841625 पर। तो बहुत पुरानी बात है कि जो रावण है वो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसके जैसा भक्त कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार कुछ ऐसा हुआ कि रावण को अपना सर भी भगवान शिव को चढ़ाना पड़ गया था। तो उसने संकोच नहीं किया, उसने बिना कुछ सोचे अपना जो सिर है वो शिव शंकर को चढ़ा दिया। सोचिए कैसी भक्ति रही होगी। तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए अपने गुरु के प्रति, तो आपके भीतर शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो आपको बताता हूँ, ये जो सिरमौर वैली है इसके पास में एक जंगल है, उस जंगल में शिव जी का मंदिर है, वो सिद्ध मंदिर है। वहाँ पर जाइए और एक बार अगर आप वहाँ चले गए तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। एड्रेस आप मुझसे व्हाट्सएप पर मांग सकते हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। तो जिसको भी साधनाएं करनी हो, जिसको भी वो प्राचीन ज्ञान अर्जित करना हो, वो एक बार बिना किसी को बताए उस जंगल में रात के 2 बजे जाए और बस 1 घंटे की साधना कर ले, 1 घंटे की, क्योंकि उस जंगल में कुछ ऐसी शक्तियां अभी भी विचरण कर रही हैं जो कि अलौकिक है। ऐसी मान्यता है कि जो शिव शंकर का मंदिर होता है, भोलेनाथ का जो मंदिर होता है, उसके आसपास भूत पिशाच जो है विचरण करते हैं। नाना प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां वहां पर विचरण करती हैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा सिरमौर के जंगलों में। और एक गुप्त स्थान है जिसकी लोकेशन मैं आपको दे सकता हूँ, वहाँ पर आप अपनी 1 दिन की साधना कर लीजिए, आपको शक्तियों का आभास हो जाएगा। क्योंकि जिस समय मैं
रात के 2 बजे वहाँ पर तपस्या कर रहा था, उस समय मुझे ऐसा आभास हुआ जो कि शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। अगर आपको पुरातन काल का वो स्वर्णिम युग देखना है तो एक बार अवश्य जाएं, इस साधना को अवश्य करें, तो आपको आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो आप वहाँ जाते ही साथ आपके जो सुनने की क्षमता है वो नष्ट हो जाएगी, हमेशा के लिए नहीं, कुछ क्षणिक होगी वो, कुछ देर के लिए, और उसमें आपको सिर्फ एक बिंदु की जैसे ची वाली आवाज़ आती, सिर्फ वही आएगी, और आपको जो है आपकी आंखें खुली होंगी लेकिन आपको कुछ दिखेगा नहीं। मैं रात के 2 बजे की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद ऐसी ऐसी स्मृति आएंगी, ऐसी ऐसी छवियाँ आपके सामने आएंगी जो कि एक साधक ही महसूस कर सकता है। अगर आप में भी है वो शक्तियाँ अर्जित करने की चाह, तो रावण की तरह, क्योंकि रावण ने भी यहीं पर तपस्या की थी और स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी वो यहीं बना रहे थे, तो आप सोचिए कितनी पवित्र जगह होगी है, क्योंकि पूरा हिमाचल छोड़कर सिरमौर में वो अपनी एक ऐसी सीढ़ी बना रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा इस जगह पर। तो वही देखने के लिए मैं गया था और मैंने ऐसा कुछ पाया है जो कि अलौकिक है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर भोलेनाथ के आपको दर्शन भी करने हो तो वो भी आपको हो जाएंगे। बस मन में भाव लेकर आ जाइए यहाँ पर और फिर देखिए किस तरह से आप शक्तियों से सराबोर हो जाएंगे। ये जो भूमि है ये भोलेनाथ की है, यहाँ पर आपको पिचास मिलेंगे, यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको किसी जंगल में नहीं मिलेंगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई ऐसा जानवर नहीं है जिससे कि प्राण का आपको खतरा हो कि रात को कोई जानवर आपको क्षति पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेफ है। आप यहाँ पर साधनाएँ कर सकते हैं, और रही बात सिद्धियों की तो वो आपको अवश्य यहाँ पर मिलेगी। अगर दूसरी दुनिया देखनी हो तो वो यहाँ पर आएं और साधनाएं करें। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 999-284-1625 पर, और व्हाट्सएप में ही वार्तालाप करें, क्योंकि सेकंड्स के हिसाब से फ़ोन आ रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप करें तो वो बेहतर होगा। जय भोले की।